गीती का हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। गीती का हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ये नारा देने वाले लोग आज गीतिका के हत्यारों के साथ खड़े हैं, या मैं यूं कहूं कि गीतिका के हत्यारों के लिए वोट मांग रहे हैं। इन चीज़ों से, इन बातों से हम आज इतना अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि राजनीति कितना गंदा नाला है। कुर्सी के लिए सब वाजिब है, कुर्सी के लिए कुछ भी करो चलेगा। बात कर रही हूँ एलनाबाद उपचुनाव की। गीतिका ने सुसाइड नोट में साफ लिखा था कि गोपाल कांडा उनकी मौत के या उनकी सुसाइड के जिम्मेदार है। फिर भी तीनों पार्टियां मिलकर के एक INSO, एक संगठन जिन्होंने आवाज उठाई थी कि गीतिका को न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ अन्याय हुआ है, आज वही संगठन वहां जाकर के खड़ा है जहां गीतिका के हत्यारे खड़े हैं, गीतिका के दोषी खड़े हैं। अंदाजा लगा सकते हैं राजनीति के लिए कितना गिर सकता है इंसान, राजनीति के लिए कौन कौन सी हदें पार कर सकता है इंसान, और राजनीति के लिए कौन कौन से हथकंडे अपना सकता है इंसान। खैर, ये तो रही राजनीति की बात, लेकिन हम आज भी गीतिका के हत्यारों को सजा की मांग करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। भगवान से दुआ करेंगे कि वो उनकी आत्मा जहाँ भी हो शांत हो।